स्वागत करती हूँ आपका केकेआर न्यूज में। संजीवनी नगर थाना क्षेत्र में नाले में अज्ञात युवक की लाश मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पीएम के लिए भिजवाते हुए मृतक की शिनाख्त शुरू कर दी है। मृतक के शरीर पर मील चोट के निशान से प्रथम दृश्यता मामला हत्या का नजर आ रहा है। संजीवनी नगर टीआई भूमेश्वरी चौहान ने बताया कि आज 12 बजे करीब सूचना मिली कि भूलन चौकी स्थित रेलवे लाइन के पास नाले में एक अज्ञात व्यक्ति का शव पीठ के बल पड़ा हुआ है। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पर देखा, जहां गर्दन पर धारदार हथियार का गहरा घाव मिला, वहीं हाथ पीठ पर भी चोट के निशान मिले। हैरानी की बात यह है कि आसपास में हत्या होने के बाद भी सुबह तक किसी को भनक नहीं लगी और किसी ने चीख तक नहीं सुनी। लाश को वहां फेंका जाना प्रतीत हो रहा है। बहरहाल पुलिस का कहना है कि पीएम रिपोर्ट आने के बाद स्पष्ट हो जाएगा कि उचित कार्रवाई की जाएगी। जबलपुर से खान की रिपोर्ट। हाँ, आज लगभग 12 बजे थाने पर सूचना प्राप्त हुई जरिए टेलीफोन के, या पुलन रेलवे ट्रैक के पास नाले के पास में एक बॉडी है, तो मौके पे जाके देखा गया, जो एक अज्ञात बॉडी मिली हुई है जिसका शव पंचनामा कार्रवाई करके पीएम के लिए भेजा गया है, जिसमें जांच की जा रही है। शरीर पर कुछ चोटें हैं, तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। पीएम रिपोर्ट और जाँच के बाद में जो भी उचित कार्रवाई होगी की जाएगी। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। हमारे साथ खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना ना भूलें।